सीरीज में हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा T20 आउटफिट नजर आ रही है। मतलब आप अगर देखें उनको कि यार इनकी कोई वीकनेस आप पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, चाहे उनकी फास्ट बॉलिंग हो, चाहे उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटर्स, फिन एलन का फॉर्म में वापस आ जाना ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। तो न्यूजीलैंड अच्छी टीम बनती जा आई रही है थिंक टी ट्वेंटी उनका वर्ल्ड कप से सबसे पहले। अच्छी चीज़ यह है न्यूजीलैंड के बारे में, छोटा सा मुल्क है लेकिन वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस प्रोड्यूस करने के माहिर है। उनको हर पोजीशन में वो क्या होता है प्लेयर्स को लेकर आते हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। जैसे अगर थोड़ा पीछे चले रॉस टेलर की हम बात करते हैं, वो एक उनका रोल होता था, उन्होंने कंटिन्यूसली किया, अचीव किया बहुत कुछ अपनी लाइफ में, लेकिन हो सकता है इतनी ट्रॉफीज ना जीते हो लेकिन स्टिल इसी तरीके से अभी भी वो लोग यही कर रहे रॉस टेलर को याद करके मुझे वो याद आ जाता है पाले के लिए, कामरान 2011 अकमल खौफनाक तो इनिंग्स थी वो। बेसिकली मतलब वो इस चीज में बहुत मास्टर है उनको, क्योंकि मे बी उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो उनको पता होता है कि प्लेयर को डेवलप कैसे करना है। और फिर एक और चीज जिससे पाकिस्तान सीख सकता है और टीम दूसरी टीमें भी कर रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादा जो है ना चांसेस दिए हैं अपने अपकमिंग प्लेयर्स को, उन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स को रेस्ट किया है, उन्होंने जैसे बेन सियर्स अभी खेले इसी तरह पाकिस्तान सीरीज में, टिम साइफर्ट वगैरह तब सब नए नए आए थे या कम मैचेस खेले हुए थे, फिर रचिन रविंद्र वगैरह की आपने मिसालें देखी, मतलब उन्होंने अपने अपकमिंग प्लेयर्स को सर्टेन रोल्स जो जो भी उन्होंने देना चाहें उनको उसमें टाइम दिया है, उसमें सीरीजें दी हैं, उसमें मैचेस दिए हैं, और अभी भी वो लोग यही कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड देयर सक्सेस उसमें। और वही वाली आपने बात की कि वो T20 आउटफिट, ऑब्वियसली वो जो उनके एथलेटिसिज्म है, जो उनकी टेक्निक है, जो उनका हमेशा से क्रिकेट खेलने का तरीका रहा है, वो आई गेस थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें करते हैं। इसी मुल्क से ब्रेंडन मैकलम जैसा प्लेयर निकला, तो जो जिन्होंने मिसालें सेट करी ओपनिंग की, तो इसी तरीके से आई थिंक एस्टिल वही कल्चर, बिल्कुल वही कल्चर जो है वो आगे चल रहा है। इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, हमेशा बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, कॉनवे है, ये फिन एलन है, फिन एलन तो खैर अब एक एक्सपीरियंस अरे प्लेयर था ये उनका। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार केन विलियमसन इतने अच्छे कप्तान हैं कि उन्होंने इतना अच्छी टीम बना रहे हैं कि वो कभी बिल्कुल कभी ऐसा लगता है कि यार ये कप्तान ही फिट नहीं होता टीम में। कभी बिल्कुल कभी ऐसा लगता है हमें हाँ जब वो उस तरह से खेल रहे होते हैं प्लेयर्स के गिर्द, उनका स्ट्राइक रेट 120 होता है, दूसरे का 200 होता है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो खुद ही फिट नहीं हो रहे टीम के अंदर। लेकिन ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने टीम बनाई। अब आप फिन एलन का रिकॉर्ड पाकिस्तान की सीरीज से पहले उठा के जरूर देखिएगा, पेशेंस इज द की। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्लेयर के बिल्कुल। ऊपर, आप प्लेयर आप आप देखो आप फेलियर आते हैं रिसोर्सेस आने को, दें। आप रिसोर्सेस को डेवलप कर ही नहीं सकते जब तक आप उनको टाइम ना दें। तो आई थिंक ये चीज तो आप पूरी दुनिया समझ चुकी है। अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने पूरा यंग स्क्वाड भेजा है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप जब तक उस डिलेमा में रहेंगे ना यार कि बड़े प्लेयर को नहीं बिठाना, इसको इस पोजिशन पे नहीं खिलाना, आप प्लेयर बनाएंगे नहीं, फिर आप उसी रट में फंसे रहेंगे और फिर आप कहीं ना कहीं आके फिर वही ब्रेक डाउन होगा, फिर इसी तरीके से कप्तान फारिग होंगे, इसी तरीके से कोच फारिग होंगे। हाँ पाकिस्तानी फैंस आर यू नो टायर्ड ऑफ इट, सो यू हैव टू गिव टाइम टू न्यू प्लेयर्स। आप अगर किसी पोजिशन में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आप लंबा ट्राई करें। इससे फायदा ये भी होता है कि जब वो प्लेयर 10 12 13 मैच खेल के उसको पूरा रन मिलता है, अगर अनसक्सेसफुल भी होता है तो वही सिस्टम में जाके वही चीज़ें अप्लाई करता है और प्लेयर सीखते हैं। तो ये वो गिफ्ट है जो ना कहते हैं ना, इट कीप्स गिविंग। आपको आपको डेवलप करने हैं प्लेयर्स, और आपको एक बिग नंबर ऑफ पूल है, जैसे 25 30 लड़कों को वो कॉन्फिडेंस देना है कि यार हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं।